नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुनील कुमार एक नई सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ, ये सॉल्यूशन है, हस्बैंड के लिए भी सही है और वाइफ के लिए सही है। नॉर्मली केस क्या होता है, नॉर्मली पेरेंट जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बहुत परेशान रहते हैं, कभी कभी मेरे पास आते भी हैं, प्रॉब्लम घर में क्रिएशन होती है, वो पता है प्रॉब्लम किस रिगार्डिंग, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डिवोर्स का आ गया, या फिर कोई 498 का हो गया, डॉरी का हो गया, या फिर तलाक का हो गया, उस बारे में बड़ी इंक्वायरी करते हैं। वो आके पूछते हैं सर कितना टाइम लगेगा, कितना सब केस चलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ समाधान क्या है, कहाँ केस फाइल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, थोड़ा सा गाइड कीजिए इस बारे में। तो आज मैं उस चीज में थोड़ी सी नजर डाल रहा हूँ आपके लिए। होस्ट आपने कहीं से सुना भी होगा, होस्ट आपको आइडिया भी होगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी गाइडेंस जो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। होता क्या है, जब हस्बैंड वाइफ आते हैं ना, तो मोस्टली तो मैंने देखा है औरतें लोग ही ज्यादा परेशान हुई होती है। ठीक है जी, परेशान किस ग्राउंड पे होती है कि भाई सास बहू से नहीं बन रही, नमाज से नहीं बन रही, मैं देवर तंग कर रहा है, ननंद से नहीं बन रही, बहुत चीज ऐसी होती है। तो उसके इंस्टेशन में क्या होता है, वो अपने आप से परेशान होती है ना, तो कहती है मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल रही हूँ, डिवोर्स का केस डाल रही हूँ, तलाक का केस डालना चाहती हूँ, या फिर अपना मेंटेनेंस का केस डालना चाहती हूँ। और इन अनबन में ना घर से अलग हो जाती है, वो होता भी है क्योंकि बनती नहीं है हमारे कल्चर में, क्या बनती भी नहीं, तो क्या होता है ये चीज होती है। उस केस में क्या होता है, हम क्या उसे सजेस्ट करते हैं, अगर आपका भी ऐसा हो, कोशिश तो करते हैं हम लोग, ये वकील लोग, भाई लोग या वकील बहन लोग ये सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन में जाओ। सबसे बड़ी चीज, आपसी सहमति में हो, अलग रहो घर में, मतलब हस्बैंड वाइफ अपना अलग रहे, किसी के साथ रहें, खुश रहें और घर बसें, ये हमारी कोशिश होती है बिफोर प्रोसीडिंग टू कोर्ट। लेकिन फिर भी क्या होता है, नहीं मानते। तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं, देखो जी अगर आप डिवोर्स डालोगे या डोमेस्टिक वायलेंस डालेंगे या डोमेस्टिक वायलेंस अपना या फिर तलाक डालेंगे या फिर मेंटेनेंस डालेंगे, क्या क्या प्रोविजन आते हैं, क्या प्रावधान होते हैं, क्या परेशानी आप फेस करते हैं, मैं बताता हूँ। 498 के अंदर यानी डोरी सिस्टम मांगी गई या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो हम जाते हैं एमएम के पास, केस फाइल होता है। ठीक है, और मेंटेनेंस का या तलाक का फैमिली कोर्ट में केस फाइल होता है। ठीक है, कितना टाइम लगता है, टाइम की कोई अवधि नहीं है, जब कोई टाइम की अवधि नहीं है। क्यों नहीं है, आपने केस डाला, समन फाइल हुआ नहीं हुआ, समन एड्रेस सही पहुंचा नहीं पहुंचा, दूसरी पार्टी ने क्या अपील फाइल करी, दूसरी पार्टी ने क्या सेक्शन 9 अपील फाइल करी। अब सेक्शन 9 कहां था, सेक्शन 9 की थोड़ी सी बता था, सेक्शन 9 होता है जो लड़का या लड़की, हस्बैंड या वाइफ में से दोनों बिना बताए, बिना कोई स्पेसिफिक रीजन दिए घर छोड़ के चले जाते हैं, तो दूसरी पार्टी में पूरी पावर है उसको एक नोटिस दे के बुलाने की। अगर वो नहीं आती तो कोर्ट उसको कहता है कि स्पेसिफिक रीजन दो कि वाई लेफ्ट द होम। तो ये एक सोल्यूशन दी गई है सेक्शन 9, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि आपको कहा गया अपने आप कहा गया कि बसो, अगर लड़का या और हस्बैंड या वाइफ में से कोई आता नहीं है तो ये आगे प्रोसीडिंग चलती है। नॉर्मली क्या होता है, इतने परेशान हो चुके होते हैं ना, वो सेक्शन 9 को अवॉइड करते हैं, और लेकिन फिर भी फैमिली कोर्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, फैमिली कोर्ट पूरी कोशिश करता है, या हम वकील लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोग एक आपसी सहमति लगाइए। टाइम बार बहुत लगेगा, सही बता रहा हूँ, आपको सही गाइड कर रहा हूँ, इस प्रोसीडिंग्स में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि पीएफ फाइल करना, समन इश्यू करना, तारीख इतनी बनती है कोर्ट्स के अंदर आजकल, तारीखों पर तारीख चल रही है, कभी जज साहब नहीं आ रहे, जज चेंज हो रहे हैं, वकील साहब आपके नहीं आ रहे, या कुछ ऐसी एप्लीकेशन मूव कर दी बीच में जिसमें डेफोर रहता है, मेंटेनेंस बनने में टाइम लग रहा है, DIA रिपोर्ट है, इतने पुलिस इंस्पेक्शन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, बहुत चीजें हैं। मैं सही गाइड कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ आप लोगों को, एक एक चीज को सोच समझ के स्टेप उठाना। आजकल की यंग जनरेशन क्या है, मैरिज करके आए थे नहीं बन गई, बात पहले तो शुरू बहुत प्यार होता है, जी बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, अफेयर हुआ फर्स्ट एक साल दो साल, क्योंकि यंग जैसा 25-26 साल, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नहीं दे जस्ट वांट टू गो फॉर डिवोर्स, बच्चा पैदा हो गया, डिवोर्स करना है। अब मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस के लिए तलाक डालते हैं, मेंटेनेंस जो अपना है तलाक जो है फैमिली कोर्ट में डालता है, और डोमेस्टिक वायलेंस और 499 डॉरी जो है फैमिली कोर्ट में डालते हैं, बता चुका पहले भी। तो होता क्या है, टाइम बहुत लगता है, आपसे यही विनती जुटती है, जो कि कोशिश कीजिए, सुलह मशवरा कीजिए, आपसी सहमति से बैठ कर अपनी अपनी सोल्यूशन को अपने सामने रखिए। अगर फैमिली कोर्ट आपको कहता है या एमएम कोर्ट कहता है कि आप मेडिटेशन में जाइए, तो एक बार मेडिटेशन में जाके, एक दो बार मेडिटेशन में जाएं, अपनी रजामंदी से कोशिश कीजिए, अगर सुलह हो सकती है तो सुलह को शुरू कंसिडर कीजिए, अगर नहीं होता तो आपके वकील या आपके वकील हैं, आपको जो बेस्ट गाइड देते हैं वो आपके फेवर में देते हैं, उनको सुनिए, उनसे कंप्लाई कीजिए। क्योंकि मेरा पक्ष यही है, मैं यही कहूंगा आपको कि आप इसमें कोशिश करके सहमति के साथ जितनी जल्दी हो सके उस चीज से बाहर निकले। क्यों, या तो आप मेंटेनेंस में जल्दी निकलें, क्योंकि जितना डिले होगा आपकी लाइफ भी खराब होगी। ये केस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, जी हाँ कोई टाइम लिमिट है, केस 2 साल में खत्म होता है, केस 15 साल हो सकता है, मेरे पास एक केस आया था जो 15 साल तक चल रहा था,
तो टाइम बार नहीं है केस का, वो आपको है। तो अपनी अगर लाइफ वैल्यूबल है, आपकी लाइफ वैल्यूबल है, आपको कंसिडरेशन लेके चलना है, आपको अपने आपको समझा के चलना है। और कोशिश कीजिए अगर सहमति से घर बच सकता है तो प्लीज बचाइए, ये भी हम्बल रिक्वेस्ट है दोनों पक्ष से, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने आप को बचाइए, अपने आप को फेवर में रखिए और प्लीज कोशिश कीजिए मैक्सिमम डाउनफॉल में रहिए। क्योंकि पता क्या फैम फॉरेन कंट्री में तो चलता है चीज, लेकिन इंडिया में हम लोग बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत रीति रिवाज है, बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट। तो हमें ये चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को बेस्ट टू बेस्ट बनाना है, ताकि हमारी आगे जनरेशन भी इस डेकोरम को मेंटेन रखे और एक लॉन्गविटी रखे। क्योंकि आगे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, जैसे जैसे लिव रिलेशनशिप में आते आ रहे हैं, हमारे पीवर जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो हमारे पुराने पूर्वज लोग छोड़ के गए, वो बिल्कुल जीरो होते आ रहे हैं। सही बता रहा हूँ, आजकल यंग जनरेशन बहुत कुछ परवाह नहीं कर रही, वो नेट सेवी हो गई है, वो इतना लिविंग में हो गया है, वो ईगोइस्ट हो गए हैं। तो ये जो है ना बहुत इफेक्ट पड़ती है। तो आपको मैं बेस्ट सोल्यूशन ये दूंगा, अपने डेकोरम को जाके रखिए, अपनी कंडीशन बना के रखिए और कोशिश कीजिए बेस्ट टू अवॉइड कीजिए कोई भी एलिगेशन। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और इसको कंसिडरेशन में आपको बहुत इफेक्ट पड़ा चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।